तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। काफी बार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, लेकिन एक बार दोबारा से प्रॉपर रिसर्च करने के बाद काफी बेहतरीन तरीके से जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे भाई लेके आए हैं। जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी रिसर्च कर रहे हैं। कल से परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली मेरे भाई। केवल पहले पेज पर हमने 15 क्वेश्चन छांट के लिखे हुए हैं, और ये 15 के 15 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो सकता है आप 75 में 75 का पेपर करके आओ। जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने दूसरे पेज पे कुछ 7-8 जो शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चन है वो लिख दिए हैं। यानी ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेरे भाई क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कोई बड़ी बात नहीं, आप पेपर देने जाओ पहले ही क्वेश्चन लिख के आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको लगता है पेपर सर जी ने ही बनाया है, इसी चक्कर में आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, पूरा फ्री भाई, सब कुछ नहीं कोर्स बनाया जाता यार, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई प्लेलिस्ट डाल देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, 15-20 उसके अंदर वीडियोस हैं, वो सारी की सारी वो हैं जो ये ब्रह्मास्त्र है यानी इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख डालो, उसके बाद आपको खुद ही लगने लगेगा अबे यार खाली परेशान हो रहे थे, आधे ज्यादा समस्या तो सर जी ने सॉल्व कर दी। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर यानी ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, वो मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हो सकता है लाइन से आ जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे नंबर पे आ जाए, क्रोमोसोम्स तीसरे नंबर पे आ जाए, तो इस तरीके से ये हो सकता है लाइन से क्वेश्चन लिख के आ जाए कि मतलब आपको 6 के 6 आते हो, आप सोचो सर जी कौन से 3 करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड है सर, ठीक है। ये पीडीएफ हम आपको कहां पे देंगे? टेलीग्राम BDGDN BSC पे। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक करेंगे तुरंत पीडीएफ बढ़ा देंगे ताकि बाद में भूल भाल ना जाए। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ, इसे तैयार करना शुरू कर दो भाई। जिसके 21 से पेपर है, 22 से है, 25 से है, जब भी है पेपर आपके पास, अभी लगभग 1 हफ्ता है मेरे भाई, ठीक है। और जो MJPRU टाइप वाले हैं उनके तो दिसंबर में पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद क्रोमोसोम्स, हमने हिंदी में भी लिख दिया है, क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है, और एब्रिएशन मतलब विपथन, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसे हल्के में मत लेना। क्रोमोसोम्स और इनका विपथन कैसे होता है, गुणसूत्र कैसे टूटते हैं, सारी चीजें किस तरीके से विभाजन होता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन क्या है, सेल चक्र कोशिका चक्र क्या है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ओवरऑल ये सब उसी का हिस्सा है, सेल डिवीजन में ही आ जाएगा कि सेल डिवीजन में किस तरीके से समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, जो भी चीजें हैं वो इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। यानी ओवरऑल ये क्वेश्चन क्या है, सेल डिवीजन है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया भाई? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 2, क्रोमोसोम्स के बारे में नंबर 3, और सेल डिवीजन किस तरीके यानी कोशिका का विभाजन किस तरीके से होता है, ये सर, ठीक है। लॉज ऑफ मेंडल, सीधी सी बात है भाई, मेंडल के नियम आपके पास हाई स्कूल से थे और आप हमेशा से इसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चिल्लाते चले आ रहे हो, तो मेंडल के नियम तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं, और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से जो है गुणसूत्र बढ़ता है, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, कौन मेल है कौन फीमेल, सबको पता है दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं, एक्स एक्स तो क्या होता है फीमेल यानी महिला होती है, एक एक्स एक वाई होता है तो क्या हो जाता है मेल हो जाता है मेरे भाई। तो ओवरऑल सीधी सी अगर हम आपको बात बताएं तो किस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन होता है, किस तरीके से ये कैरेक्टर्स पहचाने जाते हैं, किस तरीके से लिंग संलग्न लक्षण दिखाई देते हैं, ये पूरा आपका एक क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप आपको पता है ए बी, ठीक है, ओ, ये जितने भी होते हैं सर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और ए बी चौथा, फिर बैक्टीरिया और वायरस, ये लॉन्ग में नहीं आएगा लेकिन 7.5 में बनेगा भाई, बैक्टीरिया वायरस में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है मेरा भाई, ठीक है। उसके बाद पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखें बाउचेरिया का लाइफ साइकिल, ये भी खूब पूछा जाता है, तो बाउचेरिया का लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए। कंकाल या पंजर क्या होता है, मतलब साइटोस्केलेटन, लॉन्ग में आएंगे मेरे भाई ये क्वेश्चन, इन्हें हल्के में नहीं लेना, साइटोस्केलेटन क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरियो टाइप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सब हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, साइटोस्केलेटन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो ट्रिपैनोसोमा लाइफ साइकिल यानी जो ये इसकी लाइफ साइकिल, और साथ में हमने लिख रखा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला देखो हमने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भाई, ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया भाई, जिसके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट है। गाल्जी काय क्या होता है, गाल्जी बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस
यानी केंद्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिपिकल एनिमल सेल, यानी सरल भाषा में कहें तो जंतु कोशिका, जो आपने नाइन्थ में पढ़ रखा था, तो टिपिकल एनिमल सेल ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिला के ये जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 के 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का पेपर करके आओगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो ये कुछ 3-4-5 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी देख लो भाई। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे सर जी सब कुछ हिंदी में बता रहे, अबे जितना इंपॉर्टेंट बता रहे आपको कायदे की चीजें नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डालो आ जाएगा हिंदी में, क्या फर्क पड़ता है। वॉटसन क्रिक का मॉडल, COVID-19 के बारे में पढ़ सकते हो। इनमें सबसे ज्यादा जो रोग इंपॉर्टेंट है वो है एड्स, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 यूनिवर्सिटी में एड्स लॉन्ग में आया हुआ मेरे भाई, तो इसे हल्के में नहीं लेना, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइलेरिया रोग सबने पढ़ रखा है तो वो भी ठीक ठाक है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, एंटीबॉडीज, ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं। TRNA, इस तरीके के माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, मैटरनल यानी मातृत्व तो प्रभाव क्या होता है, तो इस एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में 1-2 नंबर 3-3 नंबर में आ जाती हैं। तो जब पूरी PDF हम आपको दे देंगे तो आखिरी में इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी देख लेना। इस वाले पेज पर सिर्फ एक एड्स इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एवं क्रिक मॉडल भी ठीक है, वॉटसन एवं क्रिक मॉडल हाई स्कूल में आपने देखा लॉन्ग में आता था, 12th में लॉन्ग में आता था, तो यहां आपको मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एवं क्रिक मॉडल और एड्स, इन्हें नहीं छोड़ना, बाकी सारी चीजों की सिर्फ डेफिनेशन देख लेना, एक बार पढ़ के चले जाना, काम आपका हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर सब भी गिन लें तो 15 क्वेश्चन वो है, 16-17-18 लगभग 19-20 यानी लगभग 25 के करीब क्वेश्चन सब मिला के, और मोस्ट वांटेड जो है वो 15 है। उसके अलावा एक हमने एड्स आपको बताया 16, और एक हमने आपको बताया क्या, वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ लेना, नहीं 17। ओवरऑल थोड़ा सा रिसर्च करो मेरे भाई, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हम प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उसे देख डालो पूरा, उस मतलब कमेंट भी पिन कर देंगे, अगर आपको नहीं देखना आता तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, उसके बाद आपको लगने लगेगा ये सब कुछ आपको खुद आता है। फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर जी ये टॉपिक हमें नहीं मिल रहा है, उसे हम BD Gadden BSc पर बना देंगे, क्योंकि हमने वो पूरी प्लेलिस्ट अपने दूसरे चैनल BD Gadden BSc पर ही बनाई हुई है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के आपको पढ़ते रहना, और जो भी दिक्कत है उन्हें कमेंट में बताना है। बॉटनी के इंपॉर्टेंट भी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, थर्ड वालों के लिए और फर्स्ट वालों के लिए। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।